पत्नी खत्म, बेटी खत्म। बेटे के साथ खुद भी की खुदकुशी। कमरे में क्या देखा आप? कमरा में वो दोनों दो रूम में मतलब सुसाइड पंखे से लटके हुए थे। क्या रस्सी वगैरह या फिर? हाँ, रस्सी से ही लटके हुए थे। वो दोनों दो कमरे में सुसाइड किए पंखे से लटके हुए थे, रस्सी से लटके हुए थे। पूरे परिवार के गले में रिश्वत का फंदा। टॉर्चर करेंगे मेरे को, बहुत मारेंगे। मैं नहीं कहूंगा, बहुत टॉर्चर करेंगे मेरे बेटे के साथ, उसको मार देंगे जिंदा जी। पहली दुआ स्टेटमेंट। रिश्वत के आरोप में पूरे परिवार के दर्दनाक अंत की ऐसी कहानी अब तक देखी या सुनी नहीं होगी। दिल्ली का अफसर जिस पर पहले 9 लाख की रिश्वत के आरोप लगे, गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी से परिवार का अपमान हुआ और अपमान के बाद पूरे परिवार ने जान दे दी। रिश्वत के आरोप ने खाया पूरा परिवार। दिल्ली का परिवार रिश्वत ने मारा या सिस्टम? मेरे को क्यों नहीं पता फिर टेंशन। तो ये देश में शायद पहला ऐसा मामला होगा जब रिश्वत के आरोप में एक पूरे परिवार के लिए फांसी का वो फंदा बन गया हो। ये शायद पहला ऐसा केस है जिसमें रिश्वत का आरोप एक अफसर पर लगा और उसकी सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ी। दिल्ली की यह वारदात चौंकाती इसलिए क्योंकि जिस देश में जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिए शान से रिश्वत दी और ली जाती है, वहां एक परिवार ने जान सिर्फ इसलिए दे दी क्योंकि वो बदनामी का दाग नहीं सह पाया। कमरा में वो दोनों दो रूम में मतलब सुसाइड पंखे से लटके हुए थे। टॉर्चर करेंगे मेरे को, बहुत मारेंगे। मैं नहीं कहूंगा, बहुत टॉर्चर करेंगे मेरे बेटे के साथ, उसको मार देंगे जिंदा जी। पहली दुआ पत्नी बेटी की मौत पर फूट फूट कर रोने वाले पीके बंसल के परिवार में आज कोई नहीं बचा जो उनके या उनके जवान बेटे की खुदकुशी पर आंसू बहाए। सिर्फ रिश्वत लेने के आरोप की इससे बड़ी सजा और क्या होगी कि 72 दिन में पूरा परिवार ही खत्म हो जाए। 8:40 पे उनकी मेड आई रचना, उसके बाद वो वहाँ से उतर के वापसी आई और रोती हुई आई, बोली कि अंकल जी सुसाइड कर लिए हैं। कमरे में क्या देखा आपने? कमरा में वो दोनों दो रूम में मतलब सुसाइड पंखे से लटके हुए थे। हाँ, क्या रस्सी वगैरह या फिर? हाँ, रस्सी से ही लटके हुए थे। 9 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोपी बीके बंसल और उनके बेटे योगेश के शव दिल्ली के मधु विहार के उसी घर में अलग अलग कमरों से लटके मिले जिसमें 19 जुलाई को उनकी पत्नी और बेटी ने खुदकुशी की थी। बीके बंसल और उनके बेटे का सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें लिखा है कि 9 लाख की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद CBI उन्हें बेहद परेशान कर रही थी। हम लोग परेशान तो कभी देखे नहीं उनको, बहुत अच्छे से रहते थे और अच्छे से बात भी करते थे हम लोग से। सबसे आखिरी बार कब देखा था उन्होंने? आखिरी बार कल शाम को हम लोग देखे हैं, जब उनको शायद CBI के यहाँ से कॉल आया था, इनको बुलाहट हुआ था। ये गए थे वहाँ से, आए हमारे पास करीब ये 5:30 बजे करीब यहाँ आए थे। उसके बाद घर पे ही थे वो। उनका बेटा? बेटा घर पे ही थे। खुद बीके बंसल ने भी CBI के बारे में यही कहा था जब पत्नी और बेटी के अंतिम संस्कार के लिए उन्हें जमानत मिली थी। टॉर्चर करेंगे मेरे को, बहुत मारेंगे। मैं नहीं कहूंगा, बहुत टॉर्चर करेंगे मेरे बेटे के साथ, उसको मार देंगे जिंदा जी। पहली दुआ स्टेटमेंट। बहुत जालिम लोग हैं, बहुत जालिम लोग हैं। मुझे एक फोन भी नहीं करने दिया, बहुत जालिम लोग हैं।
भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, जो हो गया हो गया, मुझे और मारेंगे, मेरे बेटे को मारेंगे, मैं क्या बोलूं। यही बात बी के बंसल के पास पड़ोस में रहने वाले कहते हैं कि वो सीबीआई की वजह से परेशान थे और यही परेशानी सोमवार रात शायद इतनी बढ़ गई कि उन्होंने बेटे समेत खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बी के बंसल और उनके बेटे के सुसाइड नोट घर में ही 5 अलग अलग जगहों से बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक बी के बंसल का सुसाइड नोट 5 पेज का है, जिसके 4 सेट घर के अलग अलग जगहों से मिले। वहीं उनके बेटे का सुसाइड नोट 2 पेज का है। बी के बंसल ने सुसाइड नोट में पत्नी और बेटी की खुदकुशी का भी जिक्र किया है। We are investigating. Father and son, they have committed suicide and we are investigating. वहीं बंसल और उनके बेटे की खुदकुशी के बाद बयान जारी करके सीबीआई ने दुख जताया है। सीबीआई की ओर से कहा गया है कि हमें बी के बंसल और उनके बेटे की खबर जानकर बेहद दुख हुआ। इस केस की जांच पुलिस कर रही है। रिश्वत के आरोप में कॉर्पोरेट मंत्रालय के डीजी रह चुके बी के बंसल को 16 जुलाई 2016 को गिरफ्तार किया गया था। 20 जुलाई से 30 अगस्त 2016 तक वो अंतरिम जमानत पर थे। बाद में 30 अगस्त 2016 को उन्हें जमानत मिल गई। मामले की जांच जारी है। बी के बंसल के बेटे योगेश को इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया था और ना ही उनको समन जारी किया गया था। बंसल के जानने वाले कहते हैं कि पति पत्नी की खुदकुशी के बाद बंसल और उनका बेटा सदमे से उभरने की कोशिश कर रहे थे। सोमवार को ही उन्होंने पंडित को बुलाकर कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। कल शाम को हमें 6:30 बजे कॉल किए और बुलाए कि पंडित जी आपसे 2 मिनट के लिए हमसे मिलना चाहते हैं। गए उनके पास तो बोले कि पंडित जी हमको कहीं 10-15 दिन के लिए जाना है हमको, तो बीच में आपको कुछ सामान की जरूरत, पैसा पड़ेगी या कुछ जरूरत है, तो हमें 2100 रुपये भी कल दिए। लेकिन पंडित से कहीं जाने की बात कहने वाले बी के बंसल और उनका बेटा अचानक ही दुनिया से चले गए और अब तक साफ नहीं है कि परिवार की जान भ्रष्टाचार के आरोप के अपमान ने ली या फिर सीबीआई की ज्यादती ने। राजू राज के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। देश में अगर कोई सिस्टम सबसे भ्रष्ट है तो वो है राजनीति, जहां कई करोड़ों अरबों के घोटाले में फंसे हुए हैं लेकिन उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं होती। देश में भ्रष्टाचार के जाने कितने आरोपी हैं जो मुस्कुराते हुए आरोपों का सामना करते हैं। तो फिर बंसल परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ? क्या वाकई मरने से पहले बंसल ने सीबीआई पर जो टॉर्चर के आरोप लगाए हैं उनमें सच्चाई? अपने परिवार की मौत के लिए रोने के लिए जिम्मेदार क्या खुद बी के बंसल थे? उन पर 9 लाख की घूस का आरोप था लेकिन वो कहते थे कि उन्हें फंसाया गया था। वो सरासर गलत है, मुझे फंसाया गया है। किसने फंसाया सर आपको? किसने फंसाया? मैंने कंपनी वालों का काम नहीं करा था। कंपनी वालों ने फंसवाया सर? मैंने सारे वायलेशन ऑर्डर कर दिए थे। कॉर्पोरेट अफेयर में डायरेक्टर जनरल बी के बंसल को सीबीआई ने 16 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उन पर 9 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप था। रिश्वत के आरोप का अपमान उनकी पत्नी और बेटी से बर्दाश्त नहीं हुआ। राम राम सत्य हरि का नाम, राम राम हरि का नाम सत्य। 19 जुलाई को उनकी 56 साल की पत्नी सत्यबाला और 27 साल की बेटी नेहा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी और इसके करीब 2 महीने बाद ही बी के बंसल और उनके बेटे योगेश ने भी उसी तरह घर में फांसी लगाकर जान दे दी जैसे उनकी पत्नी और बेटी ने की थी। सीबीआई जांच का सामना कर रहे बी के बंसल के मानसिक तौर पे वो काफ़ी दुखी रहते थे। लोगों ने हमें बताया, ऑफ कैमरा उनका कहना है कि सीबीआई जांच से वो काफ़ी परेशान रहने लगे थे। बेटी और पत्नी के सुसाइड करने के बाद से वो बुरी तरह से टूट चुके थे और उसके बाद ही उन्होंने 5 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा और अपने बेटे के साथ खुदकुशी कर ली और जिसमें उन्होंने सीबीआई द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आरोप था कि बी के बंसल ने मुंबई की एक दवा कंपनी से 20 लाख रुपए की घूस ली थी जिसमें से 11 लाख रुपए वो पहले ही ले चुके थे। बाकी के 9 लाख रुपए लेते हुए उन्हें सीबीआई ने पकड़ा था।
17 जुलाई को गिरफ्तार होने के बाद बंसल को 20 अगस्त को अंतरिम जमानत मिली ताकि वो पत्नी बेटी का अंतिम संस्कार कर सकें। अब मांग उठ रही है कि बंसल और उनके पूरे परिवार की खुदकुशी के मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, जिससे साफ हो पाएगा कि परिवार की खुदकुशी के पीछे रिश्वत लेने के आरोप की शर्म थी, आरोप के बाद समाज से मिल रहा अपमान था या सीबीआई का टॉर्चर था। इफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इन्वॉल्वड इज एज डेंजरस एज व्हाट हैज हैपेंड, इफ देयर इज अ कनेक्ट विद अबेटमेंट, अ जुडिशियल इंक्वायरी मस्ट बी ऑर्डर्ड इमीडिएटली हूएवर इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। इस तरह एक पूरे परिवार का खत्म होना एक त्रासद घटना है। लेकिन मनोचिकित्सक मानते हैं कि परिवार में दो दो खुदकुशी होने के बाद अगर बंसल और उनके परिवार का ध्यान रखा जाता तो शायद वो खुदकुशी करने जैसे कदम नहीं उठाते। अब कुछ लोग होते हैं इस चीज़ को परसीव कर सकते हैं इस तरीके से कि वो निर्दोष है तो उसके लिए वो फाइट करेंगे। कुछ लोग उसको इस तरह से भी परसीव कर सकते हैं कि हमारी इतनी ज़्यादा इंसल्ट हुई है शायद हम किसी को फेस ना कर पाएं। तो ये इंडिविजुअल हर एक का माइंडसेट कैसा उस पर डिपेंड करता है। हालांकि बंसल को जमानत देते वक्त अदालत ने भी सीबीआई से पूछा था कि ऐसे मामलों में आरोपी को गिरफ्तार करना कितना जरूरी है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। कॉर्पोरेट अफेयर्स के डीजी रहे बीके बंसल को जब गिरफ्तार किया गया था तब कहा यह गया था कि उनकी पत्नी और बेटी ने खुदकुशी इसलिए की क्योंकि वो परिवार का अपमान सह नहीं पाई। लेकिन अब बीके बंसल और उनके बेटे की खुदकुशी के बाद आरोप सीबीआई पर लग रहे हैं। क्या है आरोप और सीबीआई ने इसके ऊपर क्या सफाई दी है? कैसे एक परिवार ये पूरा खत्म हो गया, बता रही है अदिति मेरे सहयोगी। जी सचिन, 20 जुलाई यानी अब से करीब 70 दिन पहले बीके बंसल ने आरोप लगाया था कि सीबीआई उन्हें और उनके बेटे को बहुत टॉर्चर कर रही है और अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया तो उन्हें और उनके बेटे को सीबीआई का टॉर्चर सहना पड़ेगा। बीके बंसल ने यह आरोप भी लगाया था कि सीबीआई उनके साथ उनके बेटे को भी फंसाने की कोशिश कर रही है। जिस सोसाइटी में बंसल और उनके परिवार ने खुदकुशी की उनका भी यही कहना है कि सोमवार शाम को सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था जिसके बाद वो काफी परेशान थे। वहीं पिता और बेटे की खुदकुशी के बाद सीबीआई ने एक बयान जारी करके बंसल और उनके बेटे की खुदकुशी पर अफसोस जताया। सीबीआई ने कहा कि बंसल और उनके बेटे की खुदकुशी की जांच पुलिस कर रही है और उनके बेटे योगेश को इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया था, लेकिन जाहिर तौर पर सीबीआई की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। सचिन, सवाल तो उठेंगे ही। पहले एक खुदकुशी होती है, फिर उसके बाद दूसरी यानी कि दो खुदकुशी हो जाती है, टोटल चार। रिश्वत के आरोप में कोई परिवार सहित आत्महत्या कर ले तो कोई अरबों रुपए के गबन के बाद भी मुस्कुराता ऐसे घूमता रहे। ऐसे दोनों तरह के लोग इसी पेशे में पाए जाते हैं। किसी तरह देश में भ्रष्टाचार अपने किस तरह जड़े जमा चुका है, करप्शन, इस रिपोर्ट में देखिए। दुर्भाग्य कैसा है, आज देश का एक ऐसा माहौल बना हुआ है किसी से कोई भी काम लेकर के जाओ तो कहता है इसमें मेरा क्या, वहीं से शुरू करता है इसमें मेरा क्या, और जब उसको पता चलेगा इसमें उसका कुछ नहीं है तो तुरंत बोलता है तो फिर मुझे क्या। ये मेरा क्या और मुझे क्या, इस दायरे से हमें बाहर आना है। हर चीज अपने लिए नहीं होती है, कुछ चीजें देश के लिए भी हुआ करती है। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचार देश की रगों में बह रहा है। आप भी जब किसी सरकारी दफ्तर में अपना काम कराने जाते हैं तो काम करने वाला अफसर पूछता है कि इसमें मेरा क्या है, इसमें मेरा क्या है के चक्कर में देश भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। पिछले 10 वर्षों में देश में बड़े बड़े घोटाले हुए और इन घोटालों में देश के खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। पर्ल पोंजी घोटाला वर्ष 2013 में हुआ जिसमें देश को 47,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2013 में ही
3,600 करोड़ रुपए का चॉपर स्कैम हुआ, 2,500 करोड़ का सारदा घोटाला। साल 2012 में कोयला आवंटन घोटाले में सरकारी खजाने को 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। साल 2012 में 2,00,000 करोड़ का वक्फ बोर्ड लैंड स्कैम हुआ। 2010 में 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। 2008 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, जिसमें देश को 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन अब तक न ही किसी को सजा हुई और न ही बीके बंसल जैसे किसी ने आत्महत्या की। बिजनेसमैन और पूर्व राज्यसभा सांसद विजय माल्या कई बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए लोन लेकर भाग गए और सिस्टम हाथ मलता रह गया। इसी फेरिश्त में ललित मोदी का नाम भी है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर भी सिस्टम से खेलते रहते हैं। वर्ष 2013 के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर सर्वे पर गौर कीजिए, देश के 75% पुलिसकर्मी भ्रष्ट पाए गए। इसके साथ साथ देश के 65% नौकरशाह भ्रष्ट पाए गए, जबकि शिक्षा विभाग के 61% कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और स्वास्थ्य विभाग के 56% कर्मचारी भ्रष्ट पाए गए हैं। इस सर्वे में ये भी बताया गया कि लोगों ने किस विभाग को सबसे ज्यादा रिश्वत दी। देश के 62% लोगों ने पुलिस को अपने जीवन में कभी न कभी रिश्वत दी है। वहीं 61% लोगों ने पंजीकरण विभाग को, 48% लोगों ने शिक्षा विभाग को, 41% लोगों ने टैक्स डिपार्टमेंट या फिर कस्टम डिपार्टमेंट को रिश्वत दी है और 34% लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को कभी न कभी रिश्वत दी है। भ्रष्टाचार कैसे हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है, इसे समझने के लिए अब हम आपको कुछ और आंकड़े दिखाते हैं। भारत शायद दुनिया का ऐसा पहला देश होगा जहां बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी घूस देनी पड़ती है। सरकारी नौकरी पाने के लिए 1,00,000 रुपए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कम से कम 600 रुपए, जबकि पासपोर्ट के वेरिफिकेशन और रिन्यूअल के लिए 1,000 रुपए से 10,000 रुपए तक देने पड़ते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए भी 20,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक की घूस देनी पड़ती है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की वर्ष 2015 की रिपोर्ट कहती है कि शहरी इलाकों में एक परिवार औसतन एक साल में 4,400 रुपए की घूस देता है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये आंकड़ा 2,900 रुपए का है। ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर 2013 के मुताबिक लोगों का मानना है कि भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार राजनीतिक पार्टियों में है, उसके बाद पुलिस, सांसद, विधायक और सरकारी कर्मचारियों का नंबर आता है। विडम्बना इस बात की है कि हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला होने के बावजूद सिस्टम से खेलने वालों के आगे सरकारें भी नतमस्तक हो जाती हैं। बीके बंसल को 9,00,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सवाल ये नहीं है कि बीके बंसल ने रिश्वत लेने की शर्मिंदगी में जान दे दी या सीबीआई के टॉर्चर की वजह से खुदकुशी कर ली। परेशान करने वाली बात ये है कि भ्रष्टाचार के राक्षस ने एक पूरे परिवार की जान ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। भ्रष्टाचार में सिर्फ खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल भी होते हैं। इसी देश में कई बार ऐसा हुआ जब ईमानदार लोग करप्शन की भेंट चढ़ गए। बेईमानी जीत गई और ईमानदारी हार गई। इस रिपोर्ट में देखिए। भ्रष्टाचार भारत की नसों में अंदर तक फैल चुका है। बात वाकई परेशान करने वाली है। उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात ये है कि भ्रष्टाचार जान ले लेता है। ऐसा कई बार हुआ है जब भ्रष्ट सिस्टम और उससे पैदा हुई भ्रष्ट सोच ने हमारे देश में ईमानदार कर्मचारियों की जिंदगी पर पूर्ण विराम लगा दिया। 27 नवंबर 2003, गया, बिहार, सतेंद्र दुबे की गोली मारकर हत्या। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सतेंद्र दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सतेंद्र दुबे ने हाईवे बनाने वाली बड़ी कंपनियों और स्थानीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। उस वक्त उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भ्रष्टाचार के मामले में चिट्ठी भी लिखी थी। सतेंद्र दुबे चाहते थे कि उनका नाम गोपनीय रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कुछ महीनों बाद ये ईमानदार कर्मचारी भ्रष्ट तंत्र की गोलियों का शिकार हो गया। वर्ष 2005, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, मंजुनाथ षणमुगम की हत्या। साल 2005 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तेल माफिया के खिलाफ आवाज उठाने वाले इंडियन ऑयल के सेल्स मैनेजर मंजुनाथ को ईमानदारी की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। मिलावटी पेट्रोल बेचने वाले एक पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द करने की बात कहने पर मंजुनाथ की हत्या कर दी गई थी। वर्ष 2012, मुरैना, मध्य प्रदेश, आईपीएस ऑफिसर नरेंद्र कुमार की हत्या।
वर्ष 2012 में मध्य प्रदेश के मुरैना में अवैध खनन रोकने गए आईपीएस ऑफिसर नरेंद्र कुमार की हत्या कर दी गई थी। नरेंद्र कुमार अवैध रूप से पत्थर ले जा रहे एक ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तभी ड्राइवर ने ट्रॉली को इस तरह से गिराया कि पत्थर उनके शरीर पर आकर गिरे और उनकी मौत हो गई। ऐसे न जाने कितने नाम हैं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। ऐसा नहीं है कि ईमानदार अफसरों की सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाए गए। वर्ष 1999 में लॉ कमीशन ने सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से अपील की थी कि ईमानदार कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जाएं। इसके जवाब में सीवीसी ने लिखा था कि ईमानदार कर्मचारी भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की शिकायत अगर सीवीसी के पास भेजते हैं तो उनके नाम को गुप्त रखा जाएगा। आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी ईमानदार कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की थी, लेकिन कल भी और आज भी भ्रष्ट तंत्र से ईमानदारी हार जाती है, भ्रष्टाचार जीत जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।